राजस्थान विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 115 सीटों पर जीत दर्ज कर दी है, जबकि कांग्रेस को 69 सीटों पर जीत मिली है। राज्य में कांग्रेस को बेदखल करके अब बीजेपी को राजस्थान के लिए सीएम फेस का चुनाव करना है, लिहाजा राजस्थान बीजेपी में उथल पुथल बहुत तेज है। इसी के चलते पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की आवाज पर हलचल है। खबर है कि वसुंधरा राजे से मिलने के लिए कई विधायक और कार्यकर्ता पहुंचे हैं। हालांकि माना जा रहा है कि राजस्थान में इस बार बीजेपी मुख्यमंत्री को लेकर सरप्राइज भी कर सकती है। इस बीच बीजेपी के केंद्र नेतृत्व ने राजस्थान के चर्चित नेता बाबा बालकनाथ को दिल्ली बुलाया है। वहीं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से मिलने के लिए उनके आवास पर विधायक कालीचरण सराफ, बाबू सिंह राठौड़, प्रेमचंद बैरवा पहुंचे हैं। इसके अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने भी वसुंधरा से मुलाकात की है। वहीं संगानेर विधायक भजन लाल शर्मा, शाहपुरा विधायक लाला राम बैरवा बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। साथ ही मनोहरपुर थाना विधायक गोविंद रानी पुरिया, किशनगंज विधायक ललित मीणा, अंता विधायक कंवर लाल मीणा, बारा विधायक राघेश्वर बैरवा, डक से जीते कालूलाल मीणा भी सिविल लाइन पहुंचे हैं। इसके अलावा गुणा मलानी विधायक के वैष्णोई, पुष्कर विधायक सुरेश रावत, बांदीकुई विधायक बागचंद टकड़ा, बांदीकुई विधायक बागचंद टाकड़ा भी पहुंचे हैं। खैर, राजस्थान में महंत बालकनाथ और वसुंधरा राजे सीएम पद की रेस में हैं। दोनों ही नेताओं की इस चुनाव में काफी चर्चा रही है। सूत्रों की माने तो बालकनाथ राजस्थान के सीएम के तौर पर एक मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा कि बीजेपी इन राज्यों में किसे मौका देगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।